भाई जिस दिन से कबीर सिंह रिलीज हुई है उस दिन से कई रिकॉर्ड बने हैं तो कई टूटे। बात करें शाहिद कपूर की तो इस फिल्म ने शाहिद को उनके करियर की एक बेस्ट फिल्म तो दे ही दी, साथ ही इस फिल्म के साथ शाहिद के करियर को एक नया आयाम भी मिल गया। अपनी बेमिसाल एक्टिंग से साशा ने सबका दिल भी जीत लिया। बात करें इस फिल्म के नए रिकॉर्ड की तो इस फिल्म ने अपने पहले ही हफ्ते में 134 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था और आज ये 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर गई है। इस फिल्म की कमाई पर नजर डालें तो कबीर सिंह ने सोमवार को 9 करोड़ और मंगलवार को 8 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। इसी के साथ फिल्म की कुल कमाई 198.95 करोड़ रुपए हो गई थी। अब माना जा रहा है कि आज ये फिल्म लगभग 7 करोड़ रुपए की कमाई के साथ 200 करोड़ क्लब में धमाकेदार एंट्री करेगी। इसके साथ कबीर सिंह ने ये रिकॉर्ड भी बनाया है कि ए सर्टिफिकेट पाने वाली कबीर सिंह पहली ऐसी फिल्म है जिसने 200 करोड़ रुपए की कमाई की है। इसी के साथ कबीर सिंह साल 2019 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। ये शाहिद की पहली सोलो फिल्म है जिसने 200 करोड़ रुपए की कमाई की है। कबीर सिंह को भारत में 3123 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था। तेलुगु ब्लॉकबस्टर फिल्म अर्जुन रेड्डी का हिंदी रीमेक कबीर सिंह एक सर्जन की कहानी है जो अपने प्रेमिका से दूर होने के बाद बर्बादी का रास्ता अपना लेता है और शराब और नशे की लत पाल लेता है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था संदीप रेड्डी वांगा ने। इस फिल्म में शाहिद कपूर के साथ कियारा आडवाणी, सुरेश ओबेरॉय, सोहम मजूमदार, अर्जुन बाजवा और कुणाल ठाकुर हैं।